मिर्च का अचार बनाने के लिए कम तीखे और मोटे मिर्च लेंगे और इन्हें इस तरह गोल टुकड़ों में काट लेंगे। इसमें ऐड करेंगे छिले हुए लहसुन, स्वादानुसार सेंधा नमक, काला नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, इसकी जगह आप सफेद सरके का भी यूज कर सकते हैं, डालकर इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ तेज आंच पर सरसों के तेल को धुआं आने तक अच्छी तरह गर्म कर लिया था। तेल अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे सौंफ, करायत, मेथी, हींग। लेंगे सरसों की दाल, इसकी जगह पर आप सरसों को गर्म तवे पर थोड़ा सा भूनकर उन्हें दरदरा कूट लें। इन्हें तेल में डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेल को पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। तेल और मसालों का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब इन्हें हम मिर्च में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ मिर्च अच्छी तरह मिक्स हो जाने पर इन्हें किसी एयर टाइट जार में डालकर रखें। 6 से 7 दिन के बाद जब मिर्च थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो अचार बिल्कुल तैयार हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।